छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एम्स में वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने कोरोना फाइटर्स पर फूलों की वर्षा की और सभी कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया। कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए देश के अधिकांश हॉस्पिटल में वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की और उनको सलाम किया। इसी कड़ी में रायपुर के एम्स भी वायुसेना ने पुष्प वर्षा की और कोरोना से जंग लड़ रहे सभी मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाया। इस दौरान अलग ही नजारा देखने को मिला। जब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही थी, पूरा मेडिकल स्टाफ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाहर रहा। सेना के इस तरह हौसला बढ़ाने की मेडिकल स्टाफ द्वारा जमकर सराहना की गई। ये इज्जत देख करके, सम्मान देख करके, आमतौर पे डॉक्टर्स और बाकी मेडिकल नर्सिंग स्टाफ खूब अपने मन से काम करते हैं। उनके मन में एक ही रहता है कि मरीज ठीक होके जाए, सब ठीक होके जाए, सब कुशल अपने घर जाए, और चाहे वो छोटा बच्चा हो या बहुत बुजुर्ग हो, वो सबका ध्यान रखते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है, बड़ी यूनिक है, बाकी अन्य बीमारियों की जैसी नहीं है। ये डॉक्टरों को या जो स्टाफ इलाज कर रहा है उनको भी संक्रमण दे सकता है इलाज के दौरान। तो डॉक्टर दिन रात तो मेहनत करते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे इस बीमारी में ये खास रहा कि वो खुद भी उससे संक्रमित हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए, उस प्रोटेक्शन को लेते हुए, अपने परिवार के बारे में भी ना सोचते हुए उस वक्त। अच्छा, एक ऐसी बात है कि यहाँ एक हफ्ता ड्यूटी करने के बाद आपको दो हफ्ता आइसोलेट भी करके रखना है अपने आप को, फिर आपको घर भी नहीं जाना है उस वक्त भी। तो ऐसी ड्यूटीज़ लोगों ने निभाई हैं, लेडीज़ ने निभाई हैं, घर में सबके परिवार है, बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से कुर्बानी है, लेकिन लोग मन से ये काम करते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।